सो एज यूजुअल वेलकम बैक एवरीबडी टू दिस वंडरफुल सेशन। और काफ़ी दिनों बाद आज वेब का सेक्शन हो रहा है एंड दिस इज लेक्चर नंबर 5। साउंड वेब, ठीक है। अच्छा, उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, काफ़ी समय हो गया इस वजह से। प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था देखो, प्रीवियस लेक्चर में मैंने डॉपलर इफेक्ट की शुरुआत की थी, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट मैं तुमको उससे भी पहली चीज मैं तुमको समझाया था कि वेव फ्रंट क्या होता है, ठीक है। हमने समझा था कि वेव फ्रंट क्या होता है, यार सेम फेज में जो पॉइंट है अगर उन सभी पॉइंट को क्या करूँ मैं ज्वाइन कर दूँ, मतलब बेसिकली लोकस ऑफ द ऑल पॉइंट जो कि सेम फेज में वाइब्रेट हो रहे हैं, मतलब ऐसे पॉइंट जिनका फेज सेम हो और मैं अगर उनको ज्वाइन कर दूँ तो उन सबका लोकस को क्या कहा जाएगा, वेव फ्रंट। और ये भी हमने देखा था कि दो वेव फ्रंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज लैम्डा, ठीक। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने ये देखा था डॉपलर इफेक्ट के बारे में। क्या सर, जब सोर्स रेस्ट पे था तो हमने ये देखा था कि दो वेव फ्रंट के बीच जो डिस्टेंस होता था दैट इज लैम्डा, ठीक है। बट फिर मैंने क्या बोला कि इस बार अगर तुम सोर्स को मूव करा दो, अगर मूवेबल सोर्स हो, तो क्योंकि डॉपलर इफेक्ट तभी हमको देखने को मिलता है जब सोर्स क्या हो, मूव कर रहा हो, ठीक है। तो अब एक सेकेंड केस ये भी देखा था हमने, दिस इज फर्स्ट केस। और सेकंड केस हमने ये देखा था कि अगर सोर्स मूव करता है तो उस केस में क्या होता है, जो वेव फॉर्म होती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, एक साइड से कॉम्प्रेस हो जाती है, दूसरे साइड से क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है। तो इधर स्मॉल हो गया, उधर के वेवलेंथ को हमने क्या बोला था, एपरेंट वेवलेंथ, दैट इज लेमडा एपरेंट, ठीक है। ठीक है, यानी दो लेट से कह सकते हैं कि उसका जो वेवलेंथ है वो दो हिस्सों में बट गया, एक हिस्सा सर वो है जिधर स्मॉलर वेवलेंथ है, एक हिस्सा वो है जिधर लार्जर वेवलेंथ है। ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, ठीक है। और उसके कुछ कंक्लूजन मैंने यहाँ लिखवाए थे कि डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है कि एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ऑफ अ सोर्स या अदर वेव्स एज अ सोर्स ऑब्जर्वर मूव टूवर्ड और अवे फ्रॉम ईच अदर, दिस इफेक्ट इज नोन डॉपलर इफेक्ट। होता क्या है कि जैसे ही ऑब्जर्वर की तरफ सोर्स का मूवमेंट होता है तो जो वेव जो वेव की लेंथ होती है, बेसिकली जो वेव फॉर्म जो हमारा बनता है, वो वेव फॉर्म एक साइड से कॉम्प्रेस हो जाता है और दूसरे साइड से इनलार्ज हो जाता है। तो अब कॉम्प्रेस या इनलार्ज होने का मतलब क्या है सर, उसका वेवलेंथ चेंज होगा, और अगर वेवलेंथ चेंज होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, इसी को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये होता क्यों है, क्योंकि इनके जो पिच है और लाउडनेस, जैसे इसको इसका मतलब एग्जांपल में क्या समझा था, एग्जांपल में मैंने ये समझा था कि इस इफेक्ट को हम कैसे फिजिकली सेंस कैसे कर सकते हैं। जैसे आपके बगल से अगर कोई गाड़ी पास हो रही है तो उसका सायरन क्या होगा डिस्टेंस के साथ, जैसे जैसे वो गाड़ी आपसे दूर जाएगी तो उसका जो स्पीड, जो बेसिकली आप जो साउंड सुनते हो उसके सायरन की जो साउंड सुनते हो, वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है या फिर उसकी जो पिच है, मतलब इसकी लाउडनेस है, वो कम होती जाएगी। तो एक परफेक्ट एग्जांपल हो सकता है डॉपलर इफेक्ट का, ये मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। इतनी बातें प्रीवियस क्लास में हो चुकी थी, ठीक। यस, 50% 11th वाला आप ही कंप्लीट करा दिया, एग्जैक्टली सही बोल रहे हो, ठीक है। चलिए, हाँ दूसरी क्लास होगी, बिल्कुल होगी, डेफिनेटली, उसका टाइम 9 बजे है, ठीक है। चलिए, अब ये तो था सर, अब लेक्चर नंबर 5 में क्या होगा, ये मैंने रिकॉल तुमको करा दिया, ठीक है। लेक्चर नंबर 5 यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। अगर कोई देख रहा है तो उसको स्किप कर सकता है, इस वाले पार्ट को डायरेक्ट यहाँ आ सकता है, ठीक है। लेक्चर नंबर 5 में बेसिकली हमको देखना है उसी चीज का मैथमेटिकल एनालिसिस, ठीक है। अच्छा, सोच के देखो। अच्छा, अब देखो मैं क्या करता हूँ ना, मैं एज अ सोर्स जो है, लेट से मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक कोई ऐसे कार पड़ी हुई है और इस कार को मैं एज अ सोर्स ट्रीट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा और रिकॉल कर लेते हैं उस चीज को। जब सोर्स रेस्ट पे रहेगा सर, तो जो हमारी वेव फॉर्म बनेगी कैसी बनेगी, कुछ ऐसी बनेगी, इधर भी, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है सर, दैट इज लेमडा, जब रेस्ट पे है तो, ठीक। अच्छा, ऑब्जर्वर कौन है सर, कुछ दूर आप यहाँ अपने ईयर से सुन रहे हो, यहाँ आपका ईयर है, ठीक है, इससे आप सुन रहे हो, ठीक। ये सोर्स है, ये बेसिकली साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा है, और कुछ दूर आप यहाँ एज अ ऑब्जर्वर बैठे हुए हो और इस साउंड को सुन रहे हो। अच्छा, अब अगर मैं इस सोर्स को ऐसे मूव करा दूं, लेट्स से ये कार मूव करते करते आपके पास आ रही है, तो क्या होगा सोचो, शुरुआत में वेवलेंथ कितनी है सर, यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस सर दैट इज लेमडा, कब, जब सोर्स रेस्ट पे है, और ये होता भी है जब वेव फ्रंट बनती है, तो सिंपल वेव फ्रंट बन रहा है। अच्छा, अब अगर ये मान लो कुछ वी वेलोसिटी से मूव करने लगा, जिसको मैं सोर्स की वेलोसिटी वी एस कह रहा हूं, ध्यान रखना इस टॉपिक में जो मैं करा रहा हूं इसमें नोट लेना, हमेशा यहां नोट करा दे रहा हूं, जब भी मैं वी एस लिखूंगा वो रिप्रेजेंट करेगा कि आपका जो सोर्स है उस सोर्स की वेलोसिटी कितनी है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा हूं मैं, जब भी मैं वी एस लिखूंगा, क्योंकि मैंने देखा कि सोर्स जो है अब रेस्ट पे नहीं है, अगर मान लो सोर्स मूविंग हो गया, इफ
सोर्स इज मूविंग विथ वेलोसिटी, और उस वेलोसिटी को मैंने क्या बोला, दैट इज वी एस। तो अब इस टॉपिक में जब भी मैं वी एस लूंगा इसका मतलब क्या है, सर वो सोर्स की वेलोसिटी है, और अगर मैं कहीं सिर्फ बी लिख दूं तो इसका मतलब ये स्पीड ऑफ साउंड वेव है। अरे ये साउंड वेव कुछ स्पीड से चलेंगी, जाहिर सी बात है। सोच के देखो ना, जब ऐसे तुम्हारा वेवफॉर्म जनरेट होगा तो वेवफॉर्म जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो इसकी भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी ना। तो अगर मान लो ये वेवफॉर्म एज अ साउंड वेव जनरेट कर रहा है एक वेव के थ्रू, ये क्योंकि वेव फ्रंट क्या है, कलेक्शन लोकस, और अगर वेव फ्रंट आगे बढ़ रहा है मतलब सिंपली एक वेव आगे बढ़ रही है, और अगर वेव आगे बढ़ रही है तो कौन सी वेव आगे बढ़ रही है, सर साउंड वेव, साउंड वेव का चैप्टर है तो साउंड वेव आगे बढ़ रही है। तो साउंड वेव की वेलोसिटी को मैं वी लिखूंगा, तो सिंपली कंफ्यूज नहीं होना है। वी एस का मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव नहीं है, वी एस का मतलब है सोर्स की वेलोसिटी कितनी है, और सिंपली वी मैं लिखूंगा स्पीड ऑफ साउंड वेव के लिए, ठीक है, नो कंफ्यूजन, इसलिए मैंने अलग अलग करके बता दिया, ठीक है। चलिए अब तो ये रही, सर रेस्ट पे था तो सिंपली ऐसे विलयन बन रहा है, ठीक है। अब अगर मूव कर रहा है तो इस केस में लेट्स से यही कार यहाँ पड़ी हुई है, अब इस केस में सर अगर हमको ड्रॉ करना हो तो हम क्या करेंगे, सोच के देखो, जैसे ही मूव करेगा तो सर आगे से क्या होगा, वेव फ्रंट सर कंप्रेस हो जाएगा, यानी अब ये वेव फ्रंट कुछ ऐसे हो जाएंगे पास पास, और इधर सर इधर तो अभी भी वो डिस्टेंस मेंटेन रहेगा, है ना। अच्छा इस केस के वेवलेंथ को मैंने क्या बोला था बच्चा, सोचो, सर इधर लैम्डा था तो इसको हम कहते हैं एपरेंट वेवलेंथ, लैम्डा एपरेंट, ठीक है। यानी अब जो है अगर मैं इन दोनों के बीच, यानी इन दोनों वेव के बीच का डिस्टेंस अगर मैं देखूं, इन दो वेव के बीच का डिस्टेंस, सो अगर मैं इसको लेमडा डैश कह दूं, सो यही आपका लेमडा एपरेंट के बराबर हो जाएगा। सोचो शुरुआत में लेमडा था, सिंपल है सर, दो वेव फ्रंट के बीच का डिस्टेंस लेमडा जब रेस्ट पे था तो, लेकिन अब ये मूव करने लगा, अगर वी एस मूव कर रहा है तो इस बात देखो इधर कंप्रेस हो गया और इधर तुम्हारा क्या है, इधर स्मॉलर वेव लेंथ है इधर लार्जर वेव लेंथ है, ठीक है सर। इसको मैंने क्या बोला, लेमडा डैश, जिसको मैं लेमडा एपरेंट भी कह सकता हूँ, ठीक ठीक है सर, समझ गए सर, नो प्रॉब्लम, ठीक है, इतनी बात है। और कहीं फिर दूर आप वही चीज सुन रहे हो, अब ये आपकी तरफ टूवर्ड ऑब्जर्वर की तरफ बढ़ रहा है वो, ठीक है। चलिए अब सोचो, क्या सोचो, अब मैं तुमसे कहता हूं जरा ये बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि जरा मुझे टाइम कैलकुलेट करके बताओ कि टाइम कितनी लगी है, कौन से केस में, सर दोनों केस में, फर्स्ट केस में भी बताओ दूसरे केस में बताओ, कि जो वेव ट्रैवल कर रही है, अगर मैं उस वेव ट्रैवल का, सोच के देखो, अगर मैं बोलूं कि अगर आपका ऑब्जर्वर था वो क्या था, रेस्ट पे था, तो उस केस में साउंड वेव जनरेट हुई, तो मान लो मैं कहता हूं कि जो साउंड वेव जनरेट हुई है उसका वेवलेंथ कितना था, सर जब फर्स्ट केस था तो उसका वेवलेंथ कितना था साउंड वेव का, मतलब वेव फ्रंट था, अरे वेव फ्रंट आगे बढ़ेगी मतलब वेव आगे बढ़ रहा है, सिंपल सा बात है, तो उसका वेवलेंथ कितना था, लेमडा। अगर सोच के देखो मैं एक वेव बनाऊ जिसका वेवलेंथ लेमडा हो, तो लेट से मैंने ये एक वेव बनाई, तो इसका वेवलेंथ क्या है, दिस इज लेमडा, ठीक। और सोचो अब मैं तुमसे कहूं ये बताओ, अगर इसकी वेवलेंथ क्या है, लेमडा है, और ये जो वेव है, ठीक है, ये जो वेव है, ये वेव अगर वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मैं तुमसे पूछूं कि अगर इस केस में मुझे जरा बताओ कि टाइम कितना लगेगा इस वेव को यहां से यहां, मतलब पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने में टाइम कितना लगेगा, तो आप कहोगे सिंपल है सर, क्यों, हमने पढ़ा है सर टाइम इज़ क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो अगर डिस्टेंस सर लैम्डा है और स्पीड वी है, तो सर टाइम कितना लगेगा इस पर्टिकुलर वेव को ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट में जाने में कितना समय लगेगा, सर लैम्डा अपॉन वी, जो कि लैम्डा उसके बीच का डिस्टेंस है और वी है उस स्पीड साउंड ऑफ वेव, सोच के देखो वी क्या है, वी है स्पीड ऑफ साउंड वेव। तो मैं कहूं कि इस वेव को एक साइकिल कंप्लीट करने में, एक साइकिल मतलब सर यहां से चला फिर जीरो हुआ फिर नेगेटिव मैक्सिमम फिर यहां आ गया, इसको कहेंगे वन साइकिल, तो वन साइकिल में कितना समय लगा, सर दैट इज लैम्डा बाई वी। अच्छा ये तो केस वन था, कब, जब लेट्स से यहां ऑब्जर्वर है, यहां यहां सोर्स है और यहां ऑब्जर्वर है। अब सोच के देखो केस टू में क्या होगा, सर सर केस टू में वेवलेंथ थोड़ा कंप्रेस हो गया, अब वेवलेंथ अगर कंप्रेस हो गया, कंप्रेस क्यों हुआ सर, क्योंकि सर सोर्स भी साथ में मूव कर रहा है, सर वेव तो आगे बढ़ी रही है साथ ही साथ हो क्या रहा है, सोचो कंप्रेस क्यों हुआ, अरे वेव भी आगे बढ़ रही है और साथ में सोर्स भी आगे जा रहा है, सोचो ये तो केस सर थोड़ा सा अलग हो गया। अब इस केस में अगर मैं तुमसे टाइम पीरियड पूछूं तो सोच के देखो, मान लो सोर्स यहां था हमको पहुंचना यहां है, अब सोचो इस केस में सर क्या ये जो वेव बनेगी क्या लैम्डा के बराबर बनेगी, आंसर इज नो, क्यों भाई, सर लैम्डा एपरेंट के बराबर बनेगी, क्यों भाई, क्योंकि सर यहां हमने देखा कि जो वेव फ्रंट हमारी थी वो कंप्रेस हो चुकी है
मतलब अब जो वेवलेंथ है वो छोटी हो गई है, अब वो लेमडा के बराबर नहीं है सर, वो लेमडा बराबर नहीं है। तो हम ये तो ड्रॉ नहीं कर सकते, हम ऐसे यहां से यहां ड्रॉ नहीं कर सकते सर, ये पूरा तो लेमडा के बराबर हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, अब सोचो। अब जैसे ही वेव आगे बढ़ी, सोचो यहां से वेव आगे निकल गई, अब मान लो मैं केस ड्रॉ करता हूं, अब सोचो ये तुम्हारा सोर्स है और ये तुम्हारा ऑब्जर्वर है। अब सोर्स भी टुवर्ड ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, वेव तो मूव कर ही रही है साथ में सोर्स भी मूव कर रहा है, तो वेव कहां से कहां, हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि वेव ऐसे चलेगी और यहां चली जाएगी। अब जैसे जैसे क्या हुआ, वेव तो आगे बढ़ रही है साथ में सोर्स भी आगे बढ़ रहा है, तो हमने ये सोचा कि मान लो टी टाइम लग रहा है, कितना लैम्बडा अपॉन वी समय लग रहा है एक वेव को, कितना लैम्बडा डिस्टेंस चलने में, मतलब सोर्स से ऑब्जर्वर तक जाने में कितना समय लग रहा है सर, लैम्बडा बाई वी, अगर लैम्बडा उसका वेवलेंथ है और वी उसका क्या है स्पीड है। अब इस केस में सर क्योंकि सोर्स रेस्ट पे था तो हमने क्या लिखा निकाला टाइम पीरियड दैट इज लैम्बडा बाई वी। अब यहां तो सोर्स सर मूव कर रहा है, अब जब सोर्स मूव कर रहा है तो उसकी भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी दैट इज वी एस, ठीक है। अब इस केस में जो वेव फ्रंट बनता है ना, होता क्या है कि जैसे ही साउंड ऑफ साउंड वेव, हमने सोचा था कि साउंड वेव बननी चाहिए ऐसे, बट होता क्या है क्योंकि अब ये सोर्स भी आगे मूव कर रहा होता है, तो इस केस में जितना समय वेव को यहां से यहां जाने में लगता है उतने समय में सोर्स जो है वो कुछ डिस्टेंस मूव करके लेट से यहां आ गया। अब सोर्स यहां आ गया तुम्हारा, अब सोचो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी सर, टाइम पीरियड लगेगा सिंपली यहां से यहां, लेकिन कब, जब सोर्स रेस्ट पे हो तब हम एक वेव ऐसे चली यहां गई फिर निगेटिव फिर जीरो फिर निगेटिव फिर ऑब्जर्वर के पास, लेकिन उसी के साथ साथ उसी पॉइंट ऑफ टाइम में सर सोर्स भी आगे बढ़ गया, यानी अब जो वेवलेंथ बनेगी वो ये वेवलेंथ नहीं है, अब वो वेवलेंथ सर यहां से इस पॉइंट से बनेगी। और ये क्या है सर, दिस इज नॉट एक्चुअल लैम्डा, दिस इज लैम्डा अपेरेंट। हो मतलब अब सोर्स भी साथ में मूव कर रहा है, और जब सोर्स मूव कर रहा है तो इस बार जो वेवलेंथ बनेगी दैट इज नॉट इज इक्वल टू लैम्डा, दैट इज इक्वल टू लैम्डा अपेरेंट। तो अब अगर कोई हमसे पूछे कि ये बताओ क्या ये वाली डिस्टेंस तुम किसी तरीके से निकाल सकते हो क्या, चलो ये तो पता चल गया। अच्छा लैम्डा है क्या सर, लैम्डा है टोटल डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, तो सोर्स तो सर क्या है, सोर्स जितनी देर में वेव सोर्स से ऑब्जर्वर में पहुंची उतनी देर में सोर्स भी आगे बढ़ चला, क्यों भाई क्योंकि सोर्स मूवेबल है, और सोर्स की वेलोसिटी कितनी है सर वी एस। अब मैं तुमसे पूछूं कि जरा ये वाला डिस्टेंस तुम कैलकुलेट करके मुझे बता सकते हो क्या, सोचो, कहोगे सिंपल है सर बता सकते हैं, क्यों, अगर मान लो टी टाइम लग रहा है कहां सोर्स से ऑब्जर्वर में जाने में, तो सोच के देखो अगर ये वेवलेंथ लैम्डा अपेरेंट है और टी टाइम लग रहा है, तो अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना हो तो हमने पढ़ा है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कर दे क्या, कर दो सर बिल्कुल, लेकिन किसकी डिस्टेंस हम पूछ रहे हैं सर, हम वेव की डिस्टेंस नहीं पूछ रहे हैं, वेव डिस्टेंस हमको पता है दैट इज लैम्डा अपेरेंट, हम ये वाला एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो ये सोर्स चला है ना इस सोर्स वाला डिस्टेंस को जानना चाहते हैं। तो आप कहोगे सिंपल है, कैसे सिंपल है भैया, सोर्स की स्पीड वी एस है और टाइम टी लग रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस वी एस इंटू टी नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर, हो जाएगा सर, हो जाएगा, समझ गया समझ गया समझ गया, मतलब वेव की डिस्टेंस लैम्डा अपेरेंट के बराबर और जो एक्स्ट्रा सोर्स चला उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई सर, सोर्स की वेलोसिटी इनटू लेट्स से टाइम लगा टी, तो मैंने वी एस इनटू टी कह दिया, सिंपल है। अच्छा मतलब अगर सोर्स मूव कर रहा है और वेव तो मूव कर ही रहा है, तो अब जो वेवलेंथ होगी दैट इज नॉट इक्वल टू लैम्डा, दैट इज केस टू, लैम्डा अपेरेंट के बराबर हो जाएगी। अब मैं तुमसे पूछूं कि ये बताओ मेरे को लैम्डा अपेरेंट चाहिए, कैसे निकाल सकता हूं, कहोगे क्या सर मजाक है क्या, ये तो बहुत सिंपल हो गया, क्यों भाई सर, ये पूरा लैम्डा सर यहां से यहां वी एस इंटू टी और यहां से यहां लैम्डा अपेरेंट। अब मैं तुमसे पूछूं जरा लैम्डा अपेरेंट निकालना हो तो सोचो सर, मैं अगर लैम्डा में से ये छोटी डिस्टेंस माइनस कर दूं तो ये बचा हुआ डिस्टेंस लैम्डा अपेरेंट ही तो होगा, अरे सर बिल्कुल होगा सर, होगा होगा होगा। तो अब अगर मैं यहां से लैम्डा अपेरेंट निकालने जाऊं, मतलब अपेरेंट वेवलेंथ कितनी होगी वो निकालना चाहूं, तो क्या लिख सकता हूं सर, दैट इज लेमडा माइनस वी एस इंटू टी, बोलो कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ सर। अच्छा टी कितना था सर, सर टी था लेमडा अपॉन वी के बराबर, तो मैं कहूँ पुट कर दो ना यार बच्चों, क्या दिक्कत है, दैट इज लेमडा इज इक्वल्स टू वी एस, ये कितना था सर लेमडा अपॉन वी के बराबर, क्या बात है क्या
क्या बात है, अब थोड़ा काट छाट करो। कैसे सर? लेमडा अपरेंट इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर दे क्या, सोचो मल्टीप्लाई कर दे, दैट इज वी लेमडा माइनस वी एस, कितना हो जाएगा लेमडा अपॉन वी। अच्छा सर लेमडा बाहर ले ले क्या, बिल्कुल ले लो, दैट इज वी माइनस वी एस अपॉन वी, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर अपरेंट वेब लेंथ। तो अगर कोई पूछे कि कितना कॉम्प्रेस हुआ बाद में जैसे सोर्स मूव कर रहा है टुवर्ड ऑब्जर्वर, तो कितना वेवलेंथ होगा, कितना वेवलेंथ हमको दिखाई पड़ेगा उसकी, उसी को तो दिखाई कहां से पड़ेगा, बेसिकली सुनाई पड़ेगा हमको एज अ साउंड। तो कितना वेवलेंथ, अपेरेंट वेवलेंथ कितना रहा, तो कैसे निकालेंगे सर, दैट इज लेमडा अपेरेंट इज इक्वल्स टू क्या, वी माइनस वी एस अपॉन वी। अगेन वी क्या है, दैट इज स्पीड ऑफ साउंड वेव, और वी एस क्या है, सोर्स की वेलोसिटी या सोर्स की स्पीड। बोलो क्लियर है क्या, लैम्डा अपेरेंट का एक्सप्रेशन सबको समझ आ गया? जल्दी से क्विक फटाफट से टेल मी गाइस, लैम्डा अपेरेंट सबको समझ आ गया? कैसे निकला लैम्डा अपेरेंट, विजुलाइज करते चलना है बस आपको, यानी अपेरेंट वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं। अब कैसे निकाल सकते हैं सर, वी माइनस वी एस अपॉन वी करके, सिंपल। क्या बात है, बहुत बढ़िया, गुड, बहुत ही बढ़िया, ठीक निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अच्छा इस लेमडा अपेरेंट को पता है जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं जनरल फॉर्म में, आओ देख लो, दैट इज लेमडा अपेरेंट इज इक्वल्स टू, पता है क्या लिखते हैं, लेमडा इंटू वी प्लस माइनस वी एस अपॉन वी। अब सर ये प्लस और माइनस का क्या फंडा है, ये जनरल फॉर्म आपने ऐसे लिख दिया, क्या है फंडा ये समझाओ। देखो मैं समझाता हूँ, सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या अगर लेट्स से ये आपका सोर्स है, ये आपका ऑब्जर्वर है जिसको मैं ओ से लिख रहा हूँ, ठीक है, तो सोचो इस बार क्या हुआ था, जो सोर्स था वो ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा था। देखो मैंने किधर ड्रॉ किया है, मैंने सोर्स को ऑब्जर्वर की तरफ ड्रॉ किया है ना, तो अगर सोर्स आपका टूवर्ड ऑब्जर्वर जाए तो इस केस में आप लेमडा अपेरेंट लिखेंगे, दैट इज लेमडा इनटू वी माइनस वी एस अपॉन वी, जो आया हमारा एक्सप्रेशन सिंपली। अब सोचो सर ऐसे ही वो सोर्स ऑब्जर्वर से दूर भी तो जा सकता है, इधर भी तो जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, यही केस टू होगा। अब सोचो सर अगर मान लो यहाँ सोर्स है, यहाँ ऑब्जर्वर है, इस बार सोर्स को मन किया ना, यानी इस बार मैं वी एस वेलोसिटी से पीछे की तरह जाऊंगा, इस बार अवे जाऊंगा सोर्स से, जब अवे जाऊंगा तो कुछ नहीं बस साइन को बदल देना है सर अंदर वाले, लेमडा अपेरेंट दैट विल बी लेमडा इनटू वी प्लस वी एस। अरे इसीलिए मैंने जनरल फॉर्म में लिख दिया प्लस माइनस वी एस, वो आपके डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर हो गया, हो गया आई थॉट, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द अपेरेंट वेवलेंथ, यही डॉपलर इफेक्ट का मैथमेटिकल कंक्लूजन दिया मैंने आपको, क्लियर। बोलो दो केसेस बन जाएंगे, जब तरफ जाएगा तो निगेटिव ले लेंगे, जब उससे दूर जाएगा तो क्या करेंगे पॉजिटिव ले लेंगे, दैट्स इट, क्लियर है, सिंपल है, बहुत सिंपल कंक्लूजन है। चलिए अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो फिर बहुत बढ़िया, फिर आगे के जो दो तीन टॉपिक्स बचे हैं वो तय पैसे कर जाओगे, ठीक है। आओ देखो क्या आपके मन में सवाल नहीं आया, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आया क्या, कैसा सवाल सर, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सोर्स रेस्ट पे हो और ऑब्जर्वर उसकी तरफ जाने लगे। बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल, क्या हुआ, क्या बोला मैंने, सोचो सोचो सर, अभी तक तो ऑब्जर्वर रेस्ट पे रह रहा था, मस्त आराम से सोर्स की तरफ मूव करके जा रहा था, जैसे वो कार थी, वो कार है जो सोर्स काम कर रही थी तो ऑब्जर्वर की तरफ वो जा रही थी, ठीक है, या तो उसके तरफ जा रही थी या उससे दूर जा रही थी, तो दो केसेस बन गया, दो केसेस हमने देख लिया, दो का कंक्लूजन कर लिया। अब अगर एग्जामिनर का दिमाग घुमा हो और एग्जामिनर कह दे अच्छा बेटा मतलब सोर्स मूवमेंट वाला पढ़ के आए हो, अब देखो मैं क्या करता हूँ, उसने बोला कि इस बार सोर्स रेस्ट पर रहेगा, ऑब्जर्वर मूव करेगा। अब इस केस का कंक्लूजन क्या है सर, अभी मैं आपको तुमको बताने वाला हूँ, व्हाट हैपन अगर आपका ऑब्जर्वर जो हो वो रेस्ट पे ना हो के वो मूव करने लगे, दिक्कत हो जाएगी। अब तो फिर अब क्या होगा, आइए वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। देखो होता क्या है कि क्या होता है सर, आओ देखो होता क्या है,
कि अभी तक जो हम चीज देख रहे थे ना वो क्या हो रही थी सर, ये लेट्स से एज अ सोर्स हमारा काम कर रहा था कार, और ये मूव करके जा रहा था टुवर्ड ऑब्जर्वर, ठीक है। बट अगर ऑब्जर्वर मूव करने लगे तो, ऑब्जर्वर अगर मोशन में आ जाए तो इस केस में क्या होगा? अब इस केस में देखो होता क्या है कि इस बार सोर्स जो है दैट इज इन रेस्ट, बिल्कुल, अरे सोर्स रेस्ट पे है, इस बार ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। अब मैं आपको फटाफट से कंक्लूजन दे देता हूं, इस चीज को याद रख लीजिएगा हमेशा, जब भी ऑब्जर्वर मूव करेगा ना तो जो इस बार सोर्स देखो क्या है, इस बार सोर्स रेस्ट पे है, अब इस बार ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो सोचो सोर्स का काम क्या है? सर सोर्स का काम है साउंड वेव को जनरेट करना, तो ऐसे साउंड वेव जनरेट हो गई, जो वेव फ्रंट जनरेट हुई उन्हें उसने कर दिया। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या सोचो अगर सोर्स रेस्ट पे है और सिर्फ ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ऐसा हो सकता है वो उससे नजदीक जाए या दूर जाए, या उसको डायरेक्शन डायरेक्शन को पर डिपेंड करता है, पर जनरल केस मान लो कि सोर्स रेस्ट पे है और ऑब्जर्वर उसके तरफ आ रहा है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ये बताओ क्या जो सोर्स ने वेव जनरेट की है क्या उस वेव का वेवलेंथ चेंज होगा या नहीं होगा? क्या वो लेमडा डैश होगा या फिर वो लेमडा होगा? सोच के बताओ, अपने से सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या क्या बोला मैंने? बोला ये कि सर इस बार सोर्स रेस्ट पे ही था, बस इस बार ऑब्जर्वर मोशन में आ गया। अब इसके से बताओ क्या सोर्स का वेवलेंथ चेंज होगा? द आंसर इज नो भैया, सोर्स का वेवलेंथ तो तब चेंज होता है जब सोर्स खुद मूव करे, इस बार तो सोर्स रेस्ट पे है, और जब सोर्स रेस्ट पे होता है तो दो वेव के बीच का डिस्टेंस दैट इज लेमडा, दो वेव फ्रंट के बीच का डिस्टेंस दैट इज लेमडा, तो इस केस में भी क्या होगा? इस केस में देयर विल बी नो चेंज इन वेवलेंथ। हाँ मतलब इस केस में वेवलेंथ नहीं बदलेगी, बट सर हम इमेजिन करके देखो, ऐसा हुआ भी, कभी कभी करके देखोगे ना जब आप फिजिकली इस चीज को, तो तुमको समझ में आएगा। सोचो सर कहीं दूर कोई साउंड बज रहा होता है, उससे हम दूर जाते हैं तो हमको धीमा सुनाई देता है, जब उसके नजदीक जाते हैं तो हमको तेज सुनाई देता है, बट सर हमारे में हमारे जो साउंड का वेरिएशन है वो तो हमको मिलता ही है, फिर आप कैसे कह रहे हो कि इस बार वेवलेंथ चेंज नहीं हो रहा है? अरे भाई किसी स्पीकर के पास आके खड़ा हो जाओ, तुमको तेज आवाज सुनाई देगी, तो उस स्पीकर से दूर जाओगे तो तुमको थोड़ी उसकी वॉल्यूम कम कम सुनाई देगी, और दूर चल जाओगे एकदम धीमा हो जाएगा, बट सर चेंज तो अभी भी हो रहा है, फिर आप कह रहे हो कि वेवलेंथ चेंज नहीं होता है, ये क्या फंडा है? तो यही एक नया कॉन्सेप्ट आया, क्या इस केस में फ्रीक्वेंसी चेंज होती है आपकी, और अब ये भी चेंज होने लगा, बिल्कुल। तो नोट करने वाला बात क्या है सर, मोटा मोटा सीधा सीधा बात बताओ, घुमाओ मत, सीधा सीधा बात ये है कि अगर सोर्स मूव करे टुवर्ड ऑब्जर्वर या फिर अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर तो वेवलेंथ चेंज होगा, बट अगर सोर्स रेस्ट पे हो ऑब्जर्वर मूव करे तो इस केस में फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। हाँ क्या चेंज होगी? फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, समझ आया? यही चीज आपको नोट करनी है। क्या नोट करनी है सर? अगर ऑब्जर्वर मूव करा दिया तो फ्रीक्वेंसी बदलेगी, और अगर सोर्स मूव करा दिया तो वेवलेंथ बदलेगा। अब अगर बदलेगी तो सर निकाल के बताइए, जैसे यहां बदली थी तो आपने लेमडा एपरेंट का एक्सप्रेशन दिया सर, वैसे ही फ्रीक्वेंसी एपरेंट का भी एक्सप्रेशन दो। तो मैं आइए आपको देता हूं, क्या है, क्या केस था सर? केस ये था ना कि इस बार जो सोर्स है ना वो तो सर रेस्ट पे है, बट ऑब्जर्वर कहीं यहां है। अब ऑब्जर्वर कहाँ है? ऑब्जर्वर उधर पड़ा हुआ है, किधर? इधर। अब इसका मन किया ना कि इस बार बेटा तुम सोर्स जो है ना तुम निकालो अपना वेवलेंथ, तुम वेव को जनरेट करो, यहां से वेव जनरेट हुई, अब मान लो जो वेव जनरेट हुई उसका जो वेवलेंथ है दैट इज लेट्स से दिस वेवलेंथ इज लेमडा एपरेंट। इस केस में याद रखना हमेशा, इस केस में एपरेंट वेवलेंथ लेते हैं हम, ठीक है, एपरेंट वेवलेंथ लेके चलते हैं हम। अब हो क्या रहा था सोचो, अच्छा ये वाला चीज समझ लो पहले, पहले एक केस कंक्लूजन मैं तुमको दे दूंगा फिर मैं ऑब्जर्वल कंक्लूजन तुमको देता हूं। सोचो अभी क्या हो रहा था सर, अगर ये सोर्स मूव कर रहा था, ऑब्जर्वर अगर रेस्ट पे था, और अगर सोर्स जो है अगर वो मूव कर रहा है लेट्स से वीएस वेलोसिटी से, और जो वेव है दैट इज ऑल्सो फ्रॉम बी वेलोसिटी, तो इस केस में जो वेवलेंथ बनता था दैट इज लेमडा एपरेंट, ठीक है। तो मैं जनरल केस तुमको करा देता हूँ,
बनता था। अभी तक ऑब्जर्वर रेस्ट पे था तो हमने ऐसी वेवलेंथ देखी थी। अब सोच के देखो इस केस में तुमको क्या निकलवाया था सर, टाइम पीरियड अभी भी आपने निकलवाया था। सोचो इस केस में टाइम पीरियड अगर मेरे को लिखना हो, अगर वेवलेंथ लैम्डा अपेरेंट हो और सोर्स जो है उसकी वेलोसिटी वी एस है, तो सोर्स भी आगे जा रहा है, तो इस बार जो वेवलेंथ होगी लैम्डा डेट इज कंप्रेस टू कितना, लैम्डा अपेरेंट। तो अगर मैं इस केस में टाइम पीरियड तुमसे पूछूं तुम क्या कह सकते हो, सर अगर स्पीड ऑफ वेव जो है दैट इज वी और डिस्टेंस जो वेव कवर है दैट इज लैम्डा अपेरेंट, तो इस केस में टाइम पीरियड कितना हो जाएगा सर, सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब लैम्डा अपेरेंट अपॉन वी। बिल्कुल। अब सोचो सर अगर हमारे पास टाइम पीरियड आ गया तो क्या हम अपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं इस केस में? बिल्कुल सर, वन अपॉन टाइम पीरियड, और अगर वन अपॉन टाइम पीरियड करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा अपेरेंट। बिल्कुल, यानी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का पहला जनरल इंट्रोडक्शन क्या आया सर, किस केस में, उस केस में सर जिस केस में अभी आपका सोर्स मूव कर रहा है। अभी हमने फ्रीक्वेंसी वाली बात नहीं की है, अभी हमने क्या किया, अभी हमने ऑब्जर्वर को मूव कराने वाली बात नहीं की, मैंने सिर्फ एक जनरल केस दिया। कौन सा, अभी हमने लैम्डा अपेरेंट निकाला था ना, कितना आया था, दैट इज वी अपॉन लैम्डा इनटू वी प्लस वी एस। सिमिलरली हमने क्या किया, उसी केस में फ्रीक्वेंसी अपेरेंट भी कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया सर, वेव का डिस्टेंस अगर मान लीजिए लैम्डा अपेरेंट है और अगर साउंड वेव वी वेलोसिटी से मूव कर रही है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा सर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज लैम्डा अपेरेंट, स्पीड इज वी, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वन अपॉन टाइम पीरियड, तो हम उल्टा कर देंगे। अच्छा अब सोचो क्या मैंने क्या बोला कि जब आपका क्या हो, सोर्स रेस्ट पे हो जाए और ऑब्जर्वर मूव करने लगे, ऑब्जर्वर का मोशन लोगे तो उस केस में फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। अब आपके मन में ये सवाल आया कैसे, देखो मैं इस चीज को मैं तुमको प्रूफ भी कर सकता हूँ। कैसे, देखो फ्रीक्वेंसी के एक्सप्रेशन में देखो क्या है सर, स्पीड है और क्या है, सोचो और क्या है, लैम्डा अपेरेंट। सर जब फ्रीक्वेंसी अपेरेंट कितना आया सर, वी अपॉन लैम्डा अपेरेंट। अब सोचो अगर सर आप सोर्स को रेस्ट पे कर दो तो ये अपेरेंट वेवलेंथ तो चेंज नहीं होने वाला है। सोचो अब तो वेवलेंथ फिक्स हो गई ना, सोर्स रेस्ट पे हो गया तो जितना वेवलेंथ शुरुआत में था उतने वेवलेंथ बाद में होगा, तो सर ये तो चेंज नहीं होने वाला, ये तो कॉन्स्टेंट हो गया। लेकिन ऊपर देखो, ऊपर क्या है, स्पीड किसकी, वेव की। अब सोचो अगर ऑब्जर्वर उसके तरफ आएगा, उसके तरफ अगर ऑब्जर्वर आएगा तो क्या स्पीड पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसके, स्पीड ऑफ वेव पे, तो वेव तो अपनी स्पीड पे चल रही है, बट अगर ऑब्जर्वर उसके तरफ आ रहा है तो क्या स्पीड ऑफ वेव चेंज होगी कि नहीं होगी, होगी सर होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी सीधा सीधा किस पर डिपेंड कर रहा है, स्पीड ऑफ वेव पे। अब अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो इस जो साउंड की वेव थी अब क्या होगी, अब धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होने लगी क्योंकि ऑब्जर्वर उसके तरफ जाने लगा, तो फ्रीक्वेंसी चेंज हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल हुई सर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के एक्सप्रेशन में आप देख सकते हो स्पीड का फंडा है, मतलब ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर की स्पीड पे भी। यानी सिंपल सा कंक्लूजन क्या, सिंपल सा कंक्लूजन इतना सर, कितना कि सर अगर कभी सोर्स को मूव करा दे तो हम समझ जाएंगे कि वहां वेवलेंथ चेंज होगा, और अगर ऑब्जर्वर को मूव करा दे तो हम समझ जाएंगे उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। अच्छा अब वो दोनों केस करा दो सर, ये तो कौन से केस की फ्रीक्वेंसी थी, अरे ये अभी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कौन से केस की है याद रख लेना, ये तब की है जब अभी आपका सोर्स मूव कर रहा है। अभी तो हम, मैं तुमको बताना चाहता था कि कैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, उसका एक्सप्रेशन दिखाना चाहता था, तो ये तो अभी सोर्स के मोशन में है, मतलब सोर्स जब मूव कर रहा है तब का है। पर सर अगर वो तो कराओ, अब कौन सा, अब ये वाला करते हैं, कब, जब ऑब्जर्वर मूव करे, ऑब्जर्वर इज इन मोशन। अब इस केस में सर फ्रीक्वेंसी अपेरेंट कैलकुलेट करा दो तो मजा आ जाएगा, मान ही जाएंगे सर, मजा आ जाएगा इस, अब ऑब्जर्वर इज इन मोशन, अब इस केस में देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। अब सोचो होगा क्या, इस बार तो सर सिंपल है, क्या सिंपल है सर, सिंपल है, फिर बोलो क्या सिंपल है, देखो सर वेव तो वही की वही रहेगी। हाँ बिल्कुल, मैंने बोला ठीक बोले, वेव तो वही रहेगी, क्यों, सोर्स यही है। अच्छा वेवलेंथ कितना है सर, लैम्डा अपेरेंट, तो सर वेव तो वही की वही रहेगी, बट अगर इसी से दूर कहीं ऑब्जर्वर है और अगर ये ऑब्जर्वर उसकी तरफ आ रहा है, लेट्स से ऑब्जर्वर की स्पीड है वी ओ, अब ध्यान समझिएगा तीन चीजें आ गई क्या सर, एक तो स्मॉल वी दैट इज स्पीड ऑफ साउंड वेव, एक तो वी एस दैट इज सोर्स की स्पीड, और एक आ गया वी ओ दैट इज ऑब्जर्वर की स्पीड। अच्छा सर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है सर, अभी भी हमने निकाला था कब, जब सोर्स मोशन में हो तब की फ्रीक्वेंसी हमने निकाली थी, दैट इज वी अपॉन लैम्डा अपेरेंट, बट इस केस में ऑब्जर्वर मोशन में है, इस केस में क्या है, ऑब्जर्वर मोशन में है, तो सोचो क्या, कभी भी जब क्या होगा,
सर जब भी ऑब्जर्वर आपके तरफ बढ़ेगा किधर, टुवर्ड सोर्स, तो सोचो क्या है सर यहाँ, इसको इस बहुत सिंपल केस समझाता हूँ। सोचो यहाँ एक स्पीकर बज रहा है और तुम यहाँ हो, जब तुम स्पीकर की तरफ जाओगे तो क्या तुमको लाउडनेस, तुम्हारी जो बेसिकली जो तुम्हारे कानों में जो आवाज जारी होगी, क्या वो बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। मतलब सर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सर इंक्रीज होगी। हैं? और अगर यही स्पीकर यहाँ बज रहा है, लेट्स से आज सोर्स काम कर रहा है और तुम यहाँ हो, तुम इससे दूर जा रहे हो, जब दूर जाओगे मतलब क्या होगा सर? फ्रीक्वेंसी घटेगी। सिंपल है भैया। कब? सर जब आप ऑब्जर्वर नजदीक जा रहा है तो हमको लाउड वॉइस सुनाई दे रही है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। और अगर हम दूर जा रहे हैं तो सर वॉइस जो उसकी लाउडनेस है वो कम हो रही है, मतलब फ्रीक्वेंसी घट गई। तो सिंपल सा कंक्लूजन क्या है सर? सिंपल सा कंक्लूजन इतना ही है। क्या है? कुछ नहीं, एक छोटा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है सर? सर अभी अभी हमने पढ़ा कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज वी अपॉन लेमडा एपरेंट। अब लेमडा एपरेंट जो चेंज होने से रहा, चेंज क्या हो रहा है? स्पीड किसकी? ऑब्जर्वर की। तो बहुत सिंपल तरीके से क्या, जब भी ऑब्जर्वर किधर जाए, टूवर्ड, किधर टूवर्ड मूव करे, किधर टूवर्ड सोर्स मूव करे, किस स्पीड से? वी ओ स्पीड से, तो जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी आती है इस केस में दैट इज वी प्लस वी ऑब्जर्वर अपॉन लेमडा एपरेंट। हो, क्यों आती है सर ये? क्योंकि सोच के देखो, लेमडा एपरेंट तो चेंज होने से रहा, सर चेंज किस में हो सकता है? फ्रीक्वेंसी में। और अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ानी है तो सर अगर मैं स्पीड में कुछ जोड़ दूं तभी तो बढ़ेगा। अरे मतलब अगर स्पीड बढ़ गई तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, और जब मैं प्लस करूंगा सर तभी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। मतलब फर्स्ट केस बहुत सिंपल एक्सप्रेशन क्या आया सर? एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वी प्लस, अब पूरा मिटा के लिख देता हूं यहां, इस केस में जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज वी स्पीड। किसकी स्पीड? अरे साउंड वेव की स्पीड तो है ही, उसके साथ ऑब्जर्वर की भी स्पीड जुड़ जाएगी ताकि फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाए। एंड दिस इज एफ एपरेंट इन द केस ऑफ ऑब्जर्वर जब मूव करेगा। सर ऐसा भी तो हो सकता है क्या? सर एक वो भी केस करा दो ना। कौन सा केस? जिस केस में सर ऑब्जर्वर दूर जा रहा हो। लो भैया, लो करा ही देता हूँ। अभी भी क्या होगी सर? वेवलेंथ तो चेंज होने से रहा, लेमडा एपरेंट ही रहेगा, बट अगर मैं फ्रीक्वेंसी एपरेंट इस केस में निकालूं तो इस केस में क्या होगा? अब देखो अवे जा रहा है, ऑब्जर्वर अवे मूव कर रहा है, अब जब ऑब्जर्वर अवे मूव कर रहा है तो सर फ्रीक्वेंसी तो घटेगी, और फ्रीक्वेंसी घटानी है तो हमको माइनस करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ओहो हो, ये हुई ना बात, मस्त कंक्लूजन मिला। सो दिस इज द एपरेंट फ्रीक्वेंसी इन बोथ केसेस। अच्छा सर जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? सर जनरल फॉर्म तो बड़ा सिंपल है, कैसे? यहाँ प्लस माइनस लगा देंगे और क्या। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी आई सर? दैट इज वी प्लस माइनस वी ऑब्जर्वर अपॉन एपरेंट वेवलेंथ। क्लियर है? आई थॉट थोड़ा समय लगा आपको समझाने में, बट समझ आ गया होगा। दिस इज गोना बी लास्ट लेक्चर, इसलिए बहुत आराम आराम से बहुत बढ़िया से मैं आपको सबको समझा रहा हूँ। क्लियर है भैया? क्या एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग हुई कि नहीं सर? जल्दी से फटाफट से बताओ। जनरल फॉर्म में आपने एपरेंट वेवलेंथ की भी देख लिया, इट्स साउंड वेव नॉट अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। तुम पहले मेरा प्रीवियस लेक्चर देख के आओ। इस क्वेश्चन का तो मैं जवाब नहीं देना चाहता हूँ, इतना घटिया सवाल पूछ कैसे लिए? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का क्या मतलब है यहाँ? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, हम पूरे चैप्टर में ही प्लेन प्रोग्रेसिव वेव पढ़ रहे हैं। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का क्या कंडीशन होता है? जब आपका एम्पलीट्यूड फिक्स हो। हमने क्या एम्पलीट्यूड को बदला है? तो ऑब्वियसली दिस इज अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। इतना घटिया सवाल क्यों पूछते हो यार झूठ मूठ का? जल्दी से बताओ, समझ आया ये? कैसे स्पीड चेंज होगी? सोचो एक वेव और ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस तुम बदल रहे हो। जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो उसकी जो वेव है वो जो वेव की स्पीड होगी। अरे तुम्हारे और सोर्स के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तुम्हारे सोर्स के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है तो तुम्हारी स्पीड साउंड की जो वेव होगी उसकी स्पीड चेंज होगी कि नहीं होगी? इतना बेसिक सा चीज क्यों नहीं समझ पाते हो यार? जल्दी बताओ, क्लियर है? यहां क्लियर है? ये प्रॉपर डेरिवेशन होता है इसका, प्रॉपर सा। तो एक प्रॉपर सा डेरिवेशन वो रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट से ही आता है, इसीलिए डायरेक्टली इस रिजल्ट को याद रखो। क्या याद रखना है रिजल्ट को? जब ऑब्जर्वर तरफ जाए तो हम प्लस कर देंगे,
ऑब्जर्वर बाहर जाए तो माइनस कर देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है, फ्रीक्वेंसी का इंक्रीज और डिक्रीज होना। तो पूरा हम मैथमेटिकल टूल लेके यहाँ नहीं बैठना है हमको। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ रहे हो तो डेरिवेशन बहुत लिमिटेड करो, जहां जरूरत है। रिलेटिव वेलोसिटी का एक कॉन्सेप्ट लगेगा, क्यों? अरे भाई एक को तुमने रेस्ट पे, अरे काइनेमेटिक्स तो सब पढ़ा है, एक को तुमने, एक की वेलोसिटी को तुमने जीरो माना, दूसरे को तुमने क्या करा, मूव करा रहे हो, तो यार रिलेटिव वेलोसिटी का ही तो चेंज है, रिलेटिव वेलोसिटी का चेंज है, डिस्टेंस का चेंज है, डिस्टेंस का चेंज है तो स्पीड भी चेंज होगी वेव की। कॉन्सेप्ट तो वही है, ठीक है, कॉन्सेप्ट तो वही है, बट सर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में फ्रीक्वेंसी भी तो चेंज नहीं होती है। कौन सा कंडीशन पढ़ लियो भाई? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का एकमात्र कंडीशन यही है, क्या? कि उसकी एम्पलीट्यूड नहीं चेंज होनी चाहिए। अगर कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है तो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन तो देखने को, फ्रीक्वेंसी होती क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड कितनी होती है उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। नंबर ऑफ साइकिल्स फॉर्म हुए कितने, अब वो नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ घट सकते हैं, बट एम्पलीट्यूड कॉन्स्टेंट होना चाहिए। वो कंडीशन तब थी जब एम्पलीट्यूड में आप वेरिएशन करो, उस केस में भी आप फ्रीक्वेंसी वेरिएशन कर रहे हो, दैट इज नॉट प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। एम्पलीट्यूड में वेरिएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है? एक चीज याद रख लो हमेशा, यहां कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का लगेगा, मैं एग्री करता हूं डेफिनेटली, बट तुमको कोई नीड नहीं है उस चीज की, सिर्फ डायरेक्टली एक रिजल्ट याद रख लो जो कि सिंप्लीफाइड तरीके से तुम्हारे एग्जाम में यूज हो सके। और वो रिजल्ट क्या है, वो रिजल्ट ये है कि कभी भी ऑब्जर्वर टूवर्ड जाएगा तो हम उसको पॉजिटिव साइन लेते हैं। जैसे मैंने एक जनरल केस पढ़ाया था ना, याद है जब मैं शुरुआत किया था वो वाली वेव, सिंपल वेव वाली, जब स्ट्रिंग वेव मैंने, तो उसका भी एक प्रॉपर डेरिवेशन आता है प्रॉपर तरीके से। जैसे मैंने बोला था कि पॉजिटिव वाले में को निगेटिव ले लेना और निगेटिव वाले को पॉजिटिव ले लेना, उल्टा कर देना, है ना? तो मैं तुमको सिर्फ वो चीजें याद कराने के लिए बोली है, उसके पीछे एक प्रॉपर जनरल डेरिवेशन होता है कि वो कैसे आया, निगेटिव होगा तो कैसे हुआ, पॉजिटिव होगा तो कैसे हुआ, बट हमको उतना इनडेप्थ नहीं जाना है, वी आर नॉट स्टडिंग फॉर बोर्ड। जो तुमको पढ़ना था वो क्लास में अपने पढ़ चुके हो, ठीक है, और कितना पढ़े हो सबको मुझे भी पता है, ठीक है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो इस केस में, क्या सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है सर, जब भी डायरेक्शन टूवर्ड हो आई टेक इट एज पॉजिटिव, डायरेक्शन जब तुम्हारा क्या हो अवे हो आई टेक इट एज निगेटिव, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है बिहाइंड, कॉन्सेप्ट यही है, फ्रीक्वेंसी कैसे भी बढ़ाना घटाना है। अब लेम लैंग्वेज में तुम समझा रहा हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे घटाओगे कैसे, सर अपलैंड डाउनलैंड तो फिक्स हो गया, बट चेंज किस में आ सकता है, सर स्पीड में आ सकता है, तो स्पीड को बढ़ा घटा सकते हैं। अब इसको स्पीड को बढ़ाने करने के लिए सिंपल है, याद करने का तुमको सर तरीका बता रहा हूँ ये चीज़ को, कि ये चीज़ याद रख लो कि फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो सर प्लस कर देंगे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का ही है, पीछे जो उसने बोला रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट लगेगा, बिल्कुल लगेगा, रिलेटिव वेलोसिटी से ये एक्सप्रेशन आपको दिया जाता है, वी प्लस वी नॉट अपॉन लैम्डा अपरेंट। बट अभी हमको वो चीज़ नहीं पढ़नी है, हम झुट्टे नहीं घुसना चाहते उसके अंदर, हमको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, क्या कंक्लूजन या क्या है सर, सर पॉजिटिव और निगेटिव साइन बता दो बस, ठीक है, हमारा काम हो जाएगा उतने में, क्लियर है? कंबाइन करके जनरली आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बताओ समझ आया, जल्दी से बताओ, जल्दी से जल्दी से। अब देखो अब एक फाइनल चीज और बताऊंगा जिसको बेसिक फॉर्मूला कहा जाता है डॉपलर इफेक्ट का, ठीक है, उसकी भी आपको डेरिवेशन की नीड बिल्कुल नहीं है, डायरेक्टली याद रख लो, क्या कुछ नहीं, सिंपल सी चीज क्या करनी है सर, सर जनरल फॉर्म लिख दो क्या दोनों का, कौन सा, जब सर सोर्स मोशन में था तो क्या हो रहा था सर, जब सोर्स मोशन में था तो इस केस में वेवलेंथ चेंज हो रही थी और अपरेंट वेवलेंथ कितनी आ रही थी सर, दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू वी प्लस माइनस वी ऑफ सोर्स अपॉन वी, आ रही थी बिल्कुल। और सर अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा था तो सर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही थी, और सर फ्रीक्वेंसी चेंज कितनी हो रही थी, सर अपरेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर हो रही थी, और वो कितनी थी, अब ये भी हमने देखा था, दैट इज वी प्लस माइनस वी नॉट अपॉन लेमडा अपरेंट, है ना? अब कुछ नहीं, ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकेंड इक्वेशन दोनों को कंबाइन कर दो, कंबाइन कैसे करोगे, कंपाइन कैसे करोगे सर, यहां जो लेमडा अपरेंट है ना इसकी वैल्यू उठा के पुट कर दो बस। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी का जो फुल एंड फाइनल फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट इज क्या होगा सर, जब आप इसको यहां पुट करोगे लेमडा अपरेंट जगह, तो ये वाली पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज नीचे लेमडा और वी प्लस वी एस वाला पूरा टर्म, और ऊपर हो जाएगा वी, मतलब सिंपली क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा वी, दैट इज वी प्लस माइनस वी नॉट अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा लेमडा इंटू वी प्लस माइनस वी एस, एंड दिस इज द फाइनल फॉर्मूला जो आपको
एपरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए याद रखना है, तो आप ये भी याद रख सकते हो, ये अलग अलग केसेस के फॉर्मूले हैं, और एक डायरेक्टली जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बना वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो जरूर याद रखना। कुछ नहीं, लैम्डा एपरेंट की वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे, दैट विल बी वी प्लस माइनस वी नॉ वी ओ इंटू वी अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा, दैट इज लैम्डा इंटू वी प्लस माइनस वी एस। तो दिस इज दी मेन फॉर्मूला, इसी को कहते हैं डॉपलर इफेक्ट का बेसिक फॉर्मूला, यही है डॉपलर इफेक्ट, जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी को भी कंबाइन किया है और साथ ही साथ अपेरेंट वेवलेंथ कांसेप्ट को भी कंबाइन किया है, दोनों कंबाइन करके फॉर्मूला हमको मिलता है, दैट इज वी प्लस माइनस वी ओ अपॉन वी प्लस माइनस वी एस। अच्छा, अब लाइन से एक बार फिर मैं लिखवा देता हूँ, वी वी ओ बी एस क्या है, वी है सर स्पीड ऑफ साउंड वेव, ठीक है, वी वी ओ क्या है स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, वी एस क्या है स्पीड ऑफ सोर्स, ठीक है, क्लियर, ये फॉर्मूला याद रहेगा, ये फॉर्मूला याद रहेगा सबको, जल्दी से फटाफट से बताओ, फ्रीक्वेंसी अपरेंट दैट इज इक्वल टू वी प्लस माइनस वी ओ अपॉन वी, मतलब इंटू वी अपॉन लेमडा इंटू वी प्लस माइनस वी एस, कुछ नहीं बस दोनों को कंबाइन करना है। तो बेसिकली एक फॉर्मूला क्या याद रखना है सर इंपॉर्टेंट, एक तो लेमडा अपरेंट वाला, दूसरा फॉर्मूला सर फ्रीक्वेंसी अपरेंट वाला, ये और ये कौन सा पीछे वाला, कौन सा सर, ये वाला, ये और ये, ठीक है, ये दोनों आपको जरूर याद रखने हैं, एज वेल एज अगर आप दोनों केसेस में चाहें अलग अलग, तो वी प्लस वी नॉट अपॉन लैम्डा एपरेंट और वी माइनस वी नॉट अपॉन लैम्डा एपरेंट, वो भी याद रख सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट क्या है ये वाला, क्लियर है, हाँ ये क्वेश्चन कराऊंगा तो बता दूंगा, ठीक है सर, साइन बता दीजिए लास्ट फॉर्मूले में, बिल्कुल, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है रुक जाओ भाई रुक जाओ, बताता हूँ मैं, ठीक है चिंता बिल्कुल ना करो, जो तुम छोड़ो मैं कुछ बोलना नहीं है अभी, बट कोई बात नहीं, आओ देखो, अब देखो, अब मैं तुमको बताता हूँ, नोट करना हमेशा, अब मैं तुमको कुछ क्या करूंगा, कुछ जनरल केसेस, ठीक है ये याद रखना हमेशा, कैसे सर साइन में वेरिएशन कैसे कैसे ले सकते हैं, ये अब चीज को हमको देखनी है, आओ देखो, एपरेंट फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई, अब देखो अब इसमें होता क्या है ना, इसमें सर प्लस माइनस दिया हुआ है, अब सर इसमें दोनों चीजें कंबाइन कर दी है, तो इसमें साइन का थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट वही याद रखना मेरा वाला ही, क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी घटेगी, वही वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, सोचो, तो ऐसा केसेस भी हो सकता है सर क्या, कि मान लीजिए सर ऑब्जर्वर यहां हो, ठीक है, और सोर्स यहां हो, ठीक है, अब ये हो सकता है सर कि मान लीजिए अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक सोर्स मूव कर रहा था, अब सोर्स अगर मूव करे किधर, टुवर्ड ऑब्जर्वर, सोर्स अगर टुवर्ड ऑब्जर्वर मूव करे या फिर उससे दूर मूव करे, यही से केसेस हो सकते हैं, देखो मैं एक जनरल केस तुम करा देता हूं पहले शुरुआत से, कौन कौन से केसेस नोट कर लो इसको थोड़ा सा, इसमें साइन सर लेंगे कैसे ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो साइन कन्वेंशन करके इसको बना लो एक एक अलग सा टॉपिक, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, वो अपने कॉन्सेप्ट से याद रखते हैं, बट मैं तुमको छोटा सा कंक्लूजन दे देता हूँ, क्या सिंपल सा केस, क्या सर मान लीजिए यहाँ आपका ऑब्जर्वर है, यहाँ आपका सोर्स है, ठीक, तो अगर सोर्स ऑफ और ऑब्जर्वर दोनों अगर रेस्ट पे हो तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ आपका सोर्स है, यहाँ आपका ऑब्जर्वर है, अब मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो सोर्स हो वो टुवर्ड ऑब्जर्वर जाए, ऐसा भी हो सकता है सर कि सोर्स रेस्ट पे हो ऑब्जर्वर टुवर्ड सोर्स जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों आपस में क्या हो, एक दूसरे के साथ अलग अलग डायरेक्शन में मूव करें, अब यही चीज हमको देखनी है, बिल्कुल, अब कन्वेंशन बिल्कुल मेरा वही वाला याद रखना, ठीक है, इस ये ऐसा केस नहीं होता है, दोनों केस मूवेबल नहीं लेते हैं हम, ठीक है, इसको ऐसा समझ लो, जनरल केस करा देता हूँ, 1 2 3 और एक और लिखी लो, ये थर्ड केस और एक फोर्थ केस, पहले केस में दोनों क्या है रेस्ट पे है, दूसरे केस में क्या हो रहा है सर, सर दूसरे केस में जो ऑब्जर्वर है, ऐसा इसको इधर ऑब्जर्वर ना इधर सोर्स, उल्टा लिख दिया क्या मैं, हमने इधर ऑब्जर्वर इधर सोर्स माना है ना, तो इसको ऐसे लिख लो, एक सेकेंड सर, इस बार जो ऑब्जर्वर है और यहाँ सोर्स है, ठीक है, ठीक,
नेक्स्ट केस में क्या हो सकता है सर, ऑब्जर्वर रेस्ट पे हो सकता है, सोर्स इधर जा सकता है, ठीक। चौथा केस जिसमें हम बना सकते हैं कि सर मान लो ये हमारा ऑब्जर्वर हो गया, ये हमारा सोर्स हो गया, अब मान लो ये दोनों जो ऑब्जर्वर हो, ऑब्जर्वर भी इधर जा रहा है, सोर्स भी इधर जा रहा है, और एक और पांचवा केस बना लो। इस केस में सर मान लो ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है, इस बार ऑब्जर्वर इधर जा रहा है और सोर्स इधर जा रहा है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के तरफ जा रहे हैं, ठीक है, दोनों एक तरफ भी हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकते हैं। इसका केस और इसका केस दोनों का सेम ही होगा, कौन सा ऐसा वाला, या तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट जाए या दोनों एक दूसरे की तरफ जाए, ठीक है। अब देखो पहला केस में क्या है सर, सर ऑब्जर्वर और सोर्स रेस्ट पे है। अब अगर ऑब्जर्वर और सोर्स रेस्ट पे है तो सिंपल है सर, क्या हमने एपरेंट फ्रीक्वेंसी अभी भी पढ़ी, वो क्या होता है सर, दैट इज यहां फिर से देखो वी प्लस माइनस वी ओ अपॉन लेमडा इंटू वी प्लस माइनस वी एस इंटू वी, ये हमने पढ़ा अभी पीछे पीछे ये चीज पढ़ी। अच्छा अब देखो इस बेसिक वाले फॉर्मूले से याद करो, कौन सा सर, अगर मान लीजिए ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों रेस्ट पे हैं, जब दोनों रेस्ट पे हैं तो जरा पीछे चलो, जब दोनों रेस्ट पे हैं हमने दोनों अलग अलग केस में ये चीज पढ़ी है क्या सर, वी अपेरेंट जो होता है दैट इज सिंपली इक्वल्स टू, अच्छा एक एक सेकेंड, इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मैं यहां ध्यान नहीं दिया, क्या ध्यान नहीं दिया, देखो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या सर, यहाँ वी है यहाँ लेमडा है, अब ये कुछ और बन रहा है क्या, अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखूं तो इसको एक और तरीके से लिख सकता हूं, कैसे, क्योंकि सिंपली कंक्लूजन यहां हमको फ्रीक्वेंसी से ही करना है, तो मैं इस चीज को एक और तरीके से लिख सकता हूं, क्या एक और तरीका याद रख सकते हो फ्रीक्वेंसी अपरेंट का, देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर, स्पीड अपॉन लेमडा, तो जो वी अपॉन लेमडा है क्या मैं इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी लिख सकता हूँ, वी प्लस माइनस वी नॉट अपॉन वी प्लस माइनस वी एस, बिल्कुल, तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया फ्रीक्वेंसी अपरेंट का, ये कौन सा फॉर्मूला है सर इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये कौन सा फॉर्मूला है सर इन टर्म ऑफ स्पीड और वेवलेंथ, तो दो अलग अलग फॉर्मूले आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैंने इस बी अपॉन लेमडा को फ्रीक्वेंसी कर दिया, ठीक है। अब मैं इस रिजल्ट का इस्तेमाल करूंगा किसमें, इसमें सोच के देखो, अगर ऑब्जर्वर सोर्स दोनों रेस्ट पे पड़े हैं, और जब दोनों रेस्ट पे पड़े हैं तो सर दोनों के बीच जो वेव फ्रंट बनेगा उनके बीच का डिस्टेंस भी लेमडा होगा, और इधर ऑब्जर्वर भी क्या हो रहा है मस्त आराम से बैठ के सुन रहा है, यानी इस केस में सोचो क्या होगा, जब ऑब्जर्वर और रेस्ट दोनों के दोनों क्या हुए रेस्ट पे हो गए, तो सर ऑब्जर्वर की वेलोसिटी भी क्या हो गई जीरो हो गई, सोर्स की वेलोसिटी भी क्या हुई जीरो हो गई, ऊपर भी साउंड ऑफ स्पीड नीचे भी साउंड ऑफ स्पीड दोनों कट जाएगा, यानी एपरेंट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, सिंपल फ्रीक्वेंसी के बराबर है, कौन सी फ्रीक्वेंसी सर वो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी के बराबर है, मतलब इस केस में सर जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज इक्वल्स टू एफ, ये इंपॉर्टेंट था, जब दोनों रेस्ट पे हो गए तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, यही तो मैं फिर से लिख देता हूँ, एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, दैट इज वी प्लस माइनस वी ओ अपॉन वी प्लस माइनस वी एस इंटू एफ, अब सोचो वी ओ भी क्या हो गया जीरो, वी एस भी क्या हो गया जीरो, ये वी से भी कट गया तो फ्रीक्वेंसी अपरेंट एफ के बराबर, बिल्कुल, तो जब दोनों रेस्ट पे हो तो सिंपल आपकी अपरेंट फ्रीक्वेंसी आपके वेव की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है। केस नंबर टू, जब क्या हो सर, जब ऑब्जर्वर टूवर्ड सोर्स जाए, सोचो जब ऑब्जर्वर टूवर्ड सोर्स जा रहा है, तो इस केस में सोचो जब ऑब्जर्वर टूवर्ड सोर्स जा रहा है, तो लेट से सोर्स रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर उसकी तरफ जा रहा है, जब सोर्स रेस्ट की तरफ है, ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स की तरफ जाता है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होती है हमको, सोचो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, अच्छा फ्रीक्वेंसी कब बढ़ेगी सर, सोच के देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कब सर, फ्रीक्वेंसी तब बढ़ेगी जब क्या हो, नोट करो फॉर्मूला, फॉर्मूले में क्या है सर, वी प्लस माइनस वी ओ, वी ओ मतलब ऑब्जर्वर की वेलोसिटी अपॉन वी प्लस माइनस वी एस, अब सोच के देखो सर सोर्स तो अभी भी रेस्ट पे है लेकिन ऑब्जर्वर के पास वेलोसिटी है कौन सी वी ओ, तो इस केस में वी एस तो जीरो हो जाएगा, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या आ गई सर, एपरेंट फ्रीक्वेंसी दैट इज वी, लेकिन सर ऊपर प्लस लिखे या माइनस लिखे इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा सा हमको, है ना, अब मैंने क्या बोला जब ऑब्जर्वर टूवर्ड सोर्स जाता है, तो मेरा तरीका याद करो क्या सर, फ्रीक्वेंसी को बढ़ानी है, अच्छा फ्रीक्वेंसी को बढ़ानी है तो सर ऊपर प्लस कर दो, लो हो गया सिंपल, इट इज सिंपल एज दैट, कोई रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट मत लगाओ, ठीक है, जो बकवास कर रहा है अभी, ठीक है उसको करने दो, मैं सिर्फ तुमको ये कहता हूं सिर्फ एक चीज याद रखो, क्या याद रखो, ऑब्जर्वर अगर सोर्स की तरफ जा रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कैसे सर ऊपर प्लस कर देंगे तब, सिंपल। अच्छा दूसरा केस पे आ जाओ, इस केस पे इस बार ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, मतलब इस बार जो वी ओ है वो जीरो हो गया, इस बार सोर्स की वेलोसिटी वी एस है, अब इस केस में सर एपरेंट फ्रीक्वेंसी लिखनी हो तो अब सोचो इस बार वी ओ को जीरो कर दो, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी वी
अब देखो नीचे, सर साइन क्या आएगा, इसमें कंफ्यूजन है। अब सोचो क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि अभी आपका वीएस दूर जा रहा है, वीएस दूर जा रहा है मतलब एपरेंट फ्रीक्वेंसी आपको घटानी है, और एपरेंट फ्रीक्वेंसी कैसे घटाओगे बच्चा, सोचो कैसे घटाओगे। सर पूरी एपरेंट फ्रीक्वेंसी तब घटेगी जब आपका डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। सोचो सोचो सोचो, जब सॉरी जब डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी, मैं क्या उल्टा बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी को घटानी है तो टोटल वैल्यू कब घटेगी, जब डिनोमिनेटर ज्यादा होगा। सोचो अगर मैं 1/20 करूँ तो पूरी वैल्यू क्या होती है, लेस आती है, पॉइंट में डेसिमल में आएगी, यानी नीचे की वैल्यू को बढ़ाना है, नीचे वैल्यू बढ़ाना है तो नीचे वैल्यू में क्या करनी पड़ेगी, हमको पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा। सर क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव साइन, तो आई टेक इट एज वी प्लस वी एस, इतना सिंपल है ये। थर्ड केस, अब देखो थर्ड केस में क्या हो रहा है, सर ऑब्जर्वर टूवर्ड आगे जा रहा है, सोर्स भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। अब जब ऑब्जर्वर भी आगे सोर्स भी आगे, तो सोचो सोचो जब ऑब्जर्वर सोर्स दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, तो सोचो सोर्स चाहेगा कि मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़े, ऑब्जर्वर उसको कंपेंसेट करेगा। ऑब्जर्वर क्या हो रहा है, सोर्स बढ़ा रहा है फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वर नजदीक जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी घटा रहा है। अब सोचो जब दोनों को कंपेंसेट करना हो, तो ये बहुत सिंपल सा केस है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो इन दोनों केस में फ्रीक्वेंसी कंपेंसेट कैसे होती है, सर ऊपर भी क्या जाता है निगेटिव और नीचे भी क्या आता है निगेटिव, ये भी फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा है, दूर जा रहा है, तो दोनों केस में क्या होगी, फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है बेसिकली, वो इस केस में समझ सकते हो कि सोर्स इधर जा रहा है टुवर्ड ऑब्जर्वर, दोनों डायरेक्शन सेम है, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या क्या लेना है, निगेटिव लेना है, ताकि फ्रीक्वेंसी कंपेंसेट हो जाए दोनों केस में। लास्ट केस, सर एक तरफ ऑब्जर्वर दूसरी तरफ सोर्स, अब दोनों डायरेक्शन अगर अपोजिट हो गया तो सोचो सर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाएगा, फ्रीक्वेंसी घटेगी, घटानी है फ्रीक्वेंसी को, और सोर्स चाह रहा है कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाए। अब इस केस में जब दोनों क्या हो, आपस में एक दूसरे से, या तो एक दूसरे से दूर जा रहे हो, एक दूसरे के पास आ रहे हो, ये दोनों केस के लिए है। इस केस में जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी आप लिखेंगे, उसका फाइनल कंक्लूजन आपको दे देता हूं, दैट विल बी वी प्लस वी ऑब्जर्वर, इधर से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, नीचे से फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, घटेगी। तो ये दोनों केस भी क्या होंगे, ये दोनों अलग से केस हैं जिसको आपको बस याद रख लेना है। क्या कौन सा केस पहला, सर वी माइनस वी 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 ओ अपॉन वी माइनस वी एस, कब हो सर, जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, बट दोनों अगर अपोजिट में हो, तो सर वी प्लस वी ओ यानी ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ऐड हो जाती है और सोर्स की वेलोसिटी माइनस हो जाती है। अगर आपको इसको अपने साइन कन्वेंशन से याद रखना है, तो उससे भी याद रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये जनरल केस थे जिसमें आपको साइन के अकॉर्डिंग सारे वैल्यूज को पुट करते जाना है, ठीक है। ठीक, अच्छा कोई नया बच्चा है क्या अभी, शादाब खान, ओके ठीक है, समझ आया ना, मेरे तरीके से साइन कन्वेंशन याद रखो, तुम लोगों को फालतू कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद नहीं रखना है, ठीक है। एग्जाम देने वाले हो, तुम्हारा एग्जाम बहुत नजदीक है, अगर मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट घुसा दूं, बेवजह कंफ्यूज जाओगे, तो बस एक सिंपल सा कंक्लूजन याद रखो, ठीक है। जिस तरीके से मैं तुमको समझा रहा हूं, बस उस तरीके को याद रख लो, सोम सर एकदम बढ़िया पढ़ाते हैं, वैसे एकदम क्लियर हो जाते हैं, ये चीज पीवाईक्यू भी लग जाते हैं, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। बस क्लास ज्वाइन किया करो, जो रिकॉर्डिंग दिखता है कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लास ज्वाइन करोगे और मजा आएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डॉपलर इफेक्ट, खत्म हो गया आपका डॉपलर इफेक्ट, आज का लेक्चर भी समाप्त हो गया। अच्छा समाप्त नहीं हुआ, अरे एक और चीज, क्या ये वाली चीज मैं तुमको दे देता हूँ, कौन सी, देखो एक केस अलग सा है, ठीक है, वो थोड़ा अलग सा है, उसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको सिंपल सी चीज एड ऑन करनी है। क्या है, अभी तक हम क्या देख रहे थे, अभी तक हम देख रहे थे ना कि सर इस बार जो सोर्स था और ऑब्जर्वर था, ये एकदम अलोंग द लाइन ज्वाइन थे। लाइन जॉइनिंग का मतलब क्या होता है ना, कि जिधर सोर्स है उसी के जस्ट सामने ऑब्जर्वर भी पड़ा हुआ है, तो सर लाइन जॉइनिंग है, एकदम अलोंग द लाइन जॉइनिंग है, तो अभी तक तो हम निकाल ले रहे थे कैसे,
सर एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी इस केस में, अभी अभी हमने पढ़ा, दैट इज वी माइनस वी ओ अपॉन वी प्लस माइनस वी एस इंटू एफ। अब होता क्या है ना, कई बार एग्जामिनर ना बहुत गुस्सा वाला मूड का होता है, वो किसी झगड़ा वगड़ा हुआ रहता है, वो गुस्से से पेपर बना देगा, वो कह देगा ना कि बेटा इस बार जो सोर्स है ना बेटा, है ना, वो सोर्स कुछ ऐसे मूव कर रहा है, लेट्स से वी एस स्पीड से, बट इस बार ऑब्जर्वर उसके एकदम लाइन में नहीं है, लेट्स से ऑब्जर्वर यहां पड़ा हुआ है। लो भैया हो गया कंफ्यूजन, अभी इस केस में ये नहीं लगाना है, गलत हो जाओगे। क्या बोला मैंने, मैंने बोला कि सोर्स जो है वो तो ठीक है सर, वी एस की स्पीड से इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में, बट ऑब्जर्वर कहीं यहां है, यहां ऑब्जर्वर पड़ा हुआ है और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी इधर है वीओ। अब सोचो इधर क्या था सर, इधर सामने सामने की दोनों की स्पीड पड़ रही थी या दोनों की वेलोसिटी पड़ रही थी, चाहे टूवर्ड चाहे अवे, यही दो केस हो सकता था बिल्कुल। बट अब क्या हुआ, अब नहीं हुआ, अब लाइन जॉइनिंग में नहीं है, एकदम सामने सामने नहीं है, अब क्या हुआ, अब सोर्स जो है वो कुछ अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है और ऑब्जर्वर उससे कुछ अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस केस में सर कैसे लिखेंगे, कंफ्यूजन हमारे पास ये होता है। तो मैं इसको एस और ओ से हटा के सिंपली लिख देता हूं, दिस इज योर सोर्स, दिस योर ऑब्जर्वर, ये केस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, घुमाया जा सकता है आपको, इसीलिए बता दे रहा हूं। सो दिस इज एस एंड दिस इज ओ, ठीक है। अब इस केस में कुछ नहीं करना है सर, एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो वही रहने वाला है, चेंज क्या होगा वो देख लो बस, सिंपल सा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। क्या, पहले तो इन दोनों के एक दूसरे के लाइन ज्वाइनिंग, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो इन दोनों लाइन को ज्वाइन करे ऐसे, ठीक है, ठीक है। अब इस केस में होता क्या है कि हम क्या करते हैं, ये जो वेलोसिटी है और जो लाइन जॉइनिंग है इसके बीच का एंगल, अगर लेट्स से मैं थीटा मान लूं, सिमिलरली इसके बीच का एंगल भी मैं थीटा मान लूं, तो सोच के देखो क्या सर, इधर वेलोसिटी वी एस, इधर वेलोसिटी वी ओ, लेकिन हमको लाइन जॉइनिंग की वेलोसिटी चाहिए। इस फॉर्मूले में जो हमने लिखा है ये क्या है, लाइन जॉइनिंग की वेलोसिटी। लाइन जॉइनिंग का मतलब सिंपल सा क्या है कि सर एक साइड में सोर्स, उसके जस्ट सामने एक लाइन ड्रॉ कर दूं ना, तो उसी लाइन में ऑब्जर्वर भी पड़ा हुआ है, वही सेम चीज मैंने यहाँ की। क्या कि सर इस बार क्या, एग्जामिनर थोड़ा घुमाया, उन्हें अलग अलग डायरेक्शन दे दी, एक सोर्स अलग अलग जगह पड़ा हुआ है, दूसरा ऑब्जर्वर अलग जगह पड़ा हुआ है, इस बार लाइन जॉइनिंग में नहीं है, उनकी वेलोसिटी अलग अलग है। तो इस केस में सबसे पहली चीज क्या करनी है सर, लाइन ज्वाइन कर दो पहले दोनों को, फिर उनके बीच क्या करो, कुछ एंगल थीटा मान लो, कौन सी सर, लाइन ज्वाइनिंग के बीच और उनकी वेलोसिटी के बीच, लेट्स एंगल थीटा है। अब सोचो, अब अगर मेरे को वेलोसिटी चाहिए अलोंग ये वाली पूरी वेलोसिटी चाहिए, सोचो कौन सी, लाइन ज्वाइनिंग वाली, तो क्या मैं इस वेलोसिटी का इधर वाला कॉम्पोनेंट उठा सकता हूँ, अरे बिल्कुल उठा सकते हैं सर। क्या इस वेलोसिटी का इधर वाला कॉम्पोनेंट उठा सकता हूँ, बिल्कुल उठा सकता हूँ। अब जरा बताओ कितना होगा सर, इधर की वेलोसिटी का ये वाला कॉम्पोनेंट होगा वी एस कॉस ऑफ थीटा, और इधर क्या होगा, वी नॉट कॉस ऑफ थीटा। लो भैया सिंपल है, बस जहां वी नॉट, वी वी नहीं है, वी ओ है, नॉट नॉट मत समझ लेना, गलती से निकल गया मेरे मुंह से, दिस इज वी ओ कॉस ऑफ थीटा, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, वी एस सोर्स की वेलोसिटी, सिंपल है। जहां ऑब्जर्वर है सर, वहां कर देंगे वी ओ कॉस ऑफ थीटा अपॉन वी प्लस माइनस, जहां सोर्स है वी एस कॉस ऑफ थीटा इंटू एफ, इतना सिंपल, वन लाइनर आंसर मैं तुमको दे दिया, फलाना टिमकाना 10 तरह का कॉन्सेप्ट लगाने जाओगे, कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है, जितना सिंप्लीफाइड पढ़ो उतना आसान, सिंप्लीफाइड मैंने तुमको करके दे दिया, कुछ नहीं करना है सर। अगर अलग अलग जगह दे दे, लाइन ड्रॉइंग में नहीं दे, तो कुछ नहीं करना है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों को ज्वाइन करेगी, दोनों के बीच का एंगल अगर क्वेश्चन में दिया हो तो बहुत अच्छी बात, और देगा भी, ऐसा नहीं है, ठीक है, देगा, डेफिनेटली देगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बस दिमाग क्या लगाना है सर, जो वी ओ है उसको रिप्लेस कर देंगे वी ओ कॉस ऑफ थीटा से, जो वी एस ओ उसको रिप्लेस कर देंगे वी एस कॉस ऑफ थीटा से, बाकी फॉर्मूला सेम है। लो हो गया खत्म, खेल हो गया, खेल खत्म, क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर, जल्दी बताओ, क्लियर। सो दैट्स इट फॉर टुडे लेक्चर, खत्म हो गया आपका साउंड वेव, 11th का वेव निपट गया, वेव ऑप्टिक्स बची हुई है, 12th का है, वो करा दूंगा वो भी, ठीक है, बट फिलहाल दो प्रैक्टिस सेशन होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एमयू ट्रिपल के लिए किया था, और सिमिलरली किसके लिए किया था, जेई और नीट के लिए, बिल्कुल वैसे दो प्रैक्टिस सेशन यहाँ भी होगा, इसमें भी दो चैप्टर थे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हेयर द चैप्टर एंड।